morning, student of 10th class, student 9th class. So 9th class, 10th class का भी ले लूँगा वहाँ पर 9th class. देखिए हमारे पास है 12.R का question number 1 निकालने, 12.1 का question number 1 करने जा रहा हूँ. ठीक है, इसमें मेरे पास बताया गया है, मुझे बताना है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जबकि मेरे पास रेडियस 7 सम और 0.63 मीटर दिया गया, रेडियस दिया गया. आप लोग जानते हैं जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है वो 4/3 पाई आर का होल क्यूब होता है. पाई आर आर का होल क्यूब, पाई आर का होल क्यूब. ठीक है, 4/3 पाई आर का होल क्यूब. तो 12.8 का जो पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, तो लास्ट नंबर ये है, ये तो सॉल्यूशन इसका फर्स्ट है. वी हैव, तो रेडियस हमारे पास है, रेडियस रेडियस दिया है, आर दिया है, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 पाई आर का होल क्यूब, 4/3 पाई आर का होल क्यूब. तो 4/3 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और रेडियस 7 × 7 क्योंकि 3 क्यूब है, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7. ठीक है, हमारे पास आया 4/3 × 22/7 × 7. ठीक है, तो ये आया 4 को जब इनको मल्टीप्लाई किया मैंने, आपको इसको कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर के साथ भी आप मल्टीप्लिकेशन इसकी कर सकते हो. राइट, इसका तो यूज किया तो आया 4312 13 सम का होल क्यूब. तो इसको डिवाइड किया मैंने, ऐसे डिवाइड किया 3 × 1 = 7, ऐसे करके आया 4 × 3 = 7 1/3 सम का होल क्यूब. दिस व्हाट इज दिस, दिस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो इस तरीके से आपने जब भी क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आएगा बड़े आसान तरीके उसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr का होल क्यूब. और इस फॉर्मूले को भी दिमाग में बिठाना है, 1 नंबर का भी आ सकता है, 2, 3, 4 नंबर का भी आ सकता है. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर उसका इसी तरह. इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जो रेडियस दिया गया मेरे पास वो 0.63 मीटर दिया गया. ठीक है, तो क्लियर बात है. सबसे हम पहले लिखेंगे हियर, रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0.63 मीटर. और यहाँ पे भी क्या निकालना है, मुझे वॉल्यूम निकालना है. देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का होल क्यूब, क्योंकि जो क्यूब किसके बराबर है, होल क्यूब. देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर का होल क्यूब, 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू थी 22/7, ये आ गया 0.63. इसको जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखिए इसको आप सीधा करिए क्योंकि ऐसे ही आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा. आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के, किसके साथ, कैलकुलेटर के साथ सीधा मल्टीप्लाई करें आप लोग. ये आया आपके पास, जैसे ये आया आपके पास यहाँ पे 200, देखो यहाँ पे आया 4/3, पाई की वैल्यू क्या है 22/7. ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और मल्टीप्लाई किया इसको मैंने, आर कितना मेरे पास, रेडियस मेरे पास है 0.63 × 0.63 × 0.63. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे. जब कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई हो 1.05 आएगा, 1.05 मीटर का होल क्यूब अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, आपने क्या करना है, सीधा कैलकुलेटर का यूज यहाँ पे करना शुरू कर, क्योंकि आपकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लंबा टाइम लगेगा आपको, तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर से करोगे तो इजी हो जाएगा. राइट, तो आपका आंसर आ जाएगा. इसी तरीके से इसको क्या है, अगर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस तरीके से करना. ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट.